हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के इंडियन ज्योग्राफी के जो बुक है उससे आज हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। भारत की भौतिक संरचना। भारत की भौतिक संरचना में अत्यधिक अत्यधिक विभिन्न पाई जाती है। भारत में 10.7% भाग पर पर्वत, 10.7% भाग पर पर्वत, 18.6% भाग पर पहाड़ और 27.7% भाग पर पठार और बाद बाकी बचे हुए 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। भारत की धरातलीय विभाजन। भारत के धरातलीय विभाजन निम्न वर्गों में किया गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप, पांच भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय द्वीप। हिमालय पर्वत, यह भारत के उत्तर में स्थित है। पर्वत सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी तक 2400 किलोमीटर में इसका आकार धनु 2400 किलोमीटर में है। इसका आकार जो है धनुषाकार है। यह लगभग 22 डिग्री देशांतर रेखा में विस्तारित है। हिमालय पर्वत उत्तर में तिब्बत के पठार जबकि दक्षिण में उत्तरी उत्तरी भाग का विशाल मैदान में स्थित है। हिमालय पर्वत पश्चिम भाग में अधिक मोटी है पूर्वी भाग की तुलना में। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। सर्वप्रथम सर सिडनी बुराइड के द्वारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन चार वर्गों में किया गया। पंजाब हिमालय, हिमालय का वैसा भाग जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में विस्तृत है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। हिमालय का भौगोलिक विभाजन। सिंधु से सतलज के बीच जो है उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच जो है उसको कुमायू हिमालय कहा जाता है, काली से कृष्णा नदी के बीच जो है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है और कृष्णा से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो है उसे असम हिमालय कहा जाता है। हिमालय का भौतिक विभाजन। भौगोलिक रूप से हिमालय को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ है। ट्रांस हिमालय जो है इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ है। इसका विस्तार सबसे अधिक तिब्बत के क्षेत्र में देखने को मिलता है जिस कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई जो है 865 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख पर्वत श्रेणी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश इत्यादि। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है जबकि कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है, काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी रॉक पोसी विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी रॉक पोसी इसी में स्थित है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा नदी ट्रांस हिमालय से ही निकलती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा नदी ट्रांस हिमालय से ही निकलती है। वृहद हिमालय इसे कई नाम से नाम जैसे बृहद हिमालय इसे कई नाम जैसे महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री इटी से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में इसे हिमा हिमा कहा जाता था क्योंकि यह हमेशा हिम से ढका हुआ होता था। बृहद हिमालय पश्चिम में सिंध नदी को छोर से पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी के छोर तक बृहद हिमालय पश्चिम में सिंध नदी के छोर से पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी के छोर तक 24 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर जबकि औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है। बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत नांगा पर्वत
जो पंजाब हिमालय का हिस्सा है, जबकि सबसे पूर्वी पर्वत का नाम चाबार है। बृहद हिमालय के अंतर्गत ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। बृहद हिमालय के अंतर्गत ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है।